कल की एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह जी की अगर आपने लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी तो एक बार सुन लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे उसी की समरी बता रहे हैं। जो नीट रिजल्ट को लेके 2024 के नीट रिजल्ट को लेके जो स्कैम या फ्रॉड का मुद्दा उठा था और उसमें कुछ पॉइंट्स थे, बेसिकली 3 पॉइंट्स थे। एक तो पेपर लीक होने का, कुछ सेंटर्स पे ऐसा था कि पेपर लीक हुआ है उसका, और दूसरा मुद्दा था ग्रेस मार्क्स देने का, जो कि आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, और तीसरा मुद्दा था कि भाई आपने अर्ली रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किया। ये मेन मुद्दे थे, ठीक है। टॉपर का तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, इसी से रिलेटेड है। उन्होंने क्लैरिफाई क्या किया, उन्होंने क्लियरली फिजल आउट कर दिया इस क्वेश्चन को। उन्होंने कहा कि नो, एनटीए ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है उसकी इंटीग्रिटी कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है जैसे आपकी इंटीग्रिटी होती है कि इफ़ यू से समथिंग सो इट इज़ ट्रू, मतलब आप फॉल्सिफिकेशन नहीं करते हैं। तो इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज होने का मतलब यही है कि कहीं पे भी कोई घपलेबाजी नहीं हुए है, नहीं हुआ है। उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट किया और लाइव कॉन्फ्रेंस हुआ था और पीआईबी की वेबसाइट पे आपको मिल भी जाएगा, एबीपी लाइव पे भी मिल जाएगा, हर जगह। बाकी और कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बताया है। मुद्दा क्या है, मुद्दा जो था वो रेक्टिफाई हुआ, वो क्लैरिफाई हुआ क्या? नहीं। पहले क्वेश्चन के जवाब में जो नीट पेपर लीक होने की बात थी कि नीट 2024 का पेपर लीक हुआ है कुछ कुछ सेंटर पे, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमने सारे जगह के जो सीसीटीवी कैमराज हैं उसको एनालाइज किया है, कहीं पे ऐसा सीन नहीं क्रिएट हुआ है। चलो मान लिया, खैर सीसीटीवी कैमरा हर जगह होता नहीं है। अब इन्होंने कैसे कहा, कैसे किया, आई डोंट नो। दूसरे क्वेश्चन को इन्होंने कैसे एड्रेस किया कि ग्रेस मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने टाइम लॉस के कंपनसेशन के रिगार्डिंग कहा कि टाइम लॉस जो हुआ था उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसा दिया गया। तो मुझे ये नहीं समझ में आया एक्चुअली में, आप भी सोचिएगा कि क्या केवल उन्हीं बच्चों का, जो 1600 बच्चों का रिजल्ट जो कटघरे में अभी ये बोल रहे हैं, केवल उन्हीं को टाइम का इशू क्रिएट हुआ? 23 लाख प्लस जो बच्चे थे उनको टाइम का इशू नहीं क्रिएट हुआ? और इसके पहले भी तो सेम पैटर्न था। जब से ये पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है तो क्या आपको लगता है, क्या आपको नहीं लगता कि टाइम लॉस हर बार कुछ बच्चों के लिए हो जाता है कि टाइम की कमी पड़ जाती है, गोला भरने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर बार क्वेश्चन छूटता है कुछ बच्चों का टाइम की वजह से? कभी कभी क्वेश्चन टिक लगा देते हैं लेकिन गोला नहीं भर पाते हैं, ऐसे मैं भी जानता हूँ कई बच्चों को। ये आपने नया प्रोविजन कहाँ से अप्लाई किया और इसको उन्होंने जस्टिफाई किया और उसी पे टिके हैं? उन्होंने क्या कहा कि एफिशिएंसी और स्पीड के बेसिस पे हमने एक एक कैमरे को एनालाइज किया। कैमरे को एनालाइज करने के बाद एक एक बच्चे को एनालाइज किया जिसके जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है। अच्छा भाई ठीक है, इन्होंने कैमरे को जूम किया और जूम करने के बाद देखा कि अच्छा इसको गोला भरने में जो है ना दिक्कत हो रही है, गोला बहुत धीरे धीरे भर रहा है या भर रही है, और इसकी स्पीड ओवरऑल कम है तो इसको हम कंपनसेट कर देते हैं। कितना नंबर कैसे कंपनसेट करना है इसका कोई उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। इन्होंने बस बोला कि हमने एफिशिएंसी और स्पीड के बेसिस पे ये एनालाइज किया इंडिविजुअल बेसिस पे और उसको ग्रेस मार्क्स दिया। लो भाई कहानी खत्म। तीसरा, इन्होंने जो अर्ली रिजल्ट की बात की कि भाई 14 जून को आपने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो 14 जून से 4 जून क्यों किया, जो कि इलेक्शन रिजल्ट की डेट थी? तो इन्होंने क्या कहा कि 4 जून से पहले रिजल्ट इनका रेडी था, तो इन्होंने सोचा कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित कर देते हैं ताकि ताकि आगे की जो स्मूथिंग इस प्रोसेस है वो स्मूथ हो सके। मतलब जो प्रोसेसिंग होती है ना भाई, कॉलेज एडमिशन लिस्ट निकालेंगे और भरेंगे सब जगह जो भी है काउंसलिंग का प्रोसेस, तो भाई 4 जून को ही क्यों उससे पहले निकाल देते? 4 जून को क्यों निकालना था? जब 4 जून से पहले रेडी था तो 4 जून को क्यों निकालना था? 4 जून से पहले, 4 जून के एक दिन बाद भी तो हो सकता था। लेकिन यहाँ पे कुछ तो घपले की बू है ना, आप भले माने चाहे नहीं माने, अब डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए ऐसा बोल रहा है, और बोले भी क्यों ना, गवर्नमेंट फिर से बन चुकी है। अब भाई सपोर्ट अगर होगा किसी भी लेवल पे तो ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट मिल जाएगा, और अगर सपोर्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी इनको, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि मुद्दा जो 23 लाख बच्चों का है, 23 लाख प्लस बच्चों का था, वो सॉल्व नहीं हुआ है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। जो स्कैम या फ्रॉड का इशू क्रिएट किया गया था वो नहीं हुआ है।
इसमें क्या हुआ है कि जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन होते हैं ना, ऐसे ही हमारी एजेंसी जो हो गई ना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई हैं। जैसे सेल्फ मेड गॉड होते हैं ना, सेल्फ स्टाइल गॉड जिनको बोलते हैं, कि भाई हम जो बोलेंगे वही सही है, बाकी लोगों का कंसर्न कोई मतलब ही नहीं है। जैसे सो कॉल्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो भी बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि भाई हम ही हैं अकेले, परमात्मा है, सब कुछ है, हम ही हैं बस, बाकी कोई नहीं है। लेकिन इस साल पता चल गया कि भाई बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली अब ये बात इनको कब पता चलेगी ये हमें नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता शायद। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये पता नहीं चला, प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो बस ये पता चला कि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड वाले जो होते हैं ना, उनको क्या होता है कि भाई हम ही बेस्ट हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, नीट के रिजल्ट में कहीं धांधली नहीं हुई तो नहीं हुई है, एग्जाम में कहीं कोई लीक नहीं हुआ है पेपर तो नहीं हुआ है, ठीक है, ग्रेस मार्क्स हमने दे दिया है, हमने अपनी मर्जी से एनालाइज किया है और दिया है जिसको दिया है। बस अगर बात उठ रही है तो बस उन बच्चों के उठेगी, मतलब 1600 बच्चों के ऊपर केवल इंक्वायरी जो बैठाई गई है, पैनल बनाया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर यूपीएससी, जो हेड किया कर रहा है ना, अंडर द फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन। सो अब खाली 1600 बच्चों का एनालाइज किया जाएगा रिजल्ट, तो बाकी बच्चों का क्या? रिजल्ट में भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, आपने जो AMR निकाला है उसको किसी का तो डाउनलोड ही नहीं हुआ, किसी किसी का बच्चे अटके रह गए, और जिनका डाउनलोड हुआ डिस्क्रिपेंसी है कि AMR पे मार्क्स कुछ और आ रहा है और रिजल्ट निकलने के बाद मार्क्स कुछ और है, उनका क्या? तो बस यही है बात भाई, कि जब अथॉरिटी नहीं चाहेगी ना आपका काम करना तो नहीं होगा। आप मुद्दा उठाइए, अब ये हो सकता है मुद्दा कि ऐसे बच्चे जिनका लॉस हुआ है, जिनको लग रहा है, अब इंडिविजुअल बेसिस पे चाहे पैसे हो चाहे नहीं हो, यू गो टू द कोर्ट। अब इंडिविजुअल बेसिस पे अपने फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए अंडर 226 आर्टिकल के अंदर में, या आर्टिकल 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाइए, लेकिन अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए ना आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो है धोखा हुआ है, आपके साथ ये दगाबाजी हो रही है, आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप डेफिनेटली ये कदम उठा सकते हैं, और उसके लिए सपोर्ट करने के लिए आपके आसपास के लोग रिलेटिव मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है ऐसे मैटर पे कि रियल में ऐसा है आपके साथ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड ऑन दी नीट क्वालिफायर्स। थैंक यू वेरी मच।